आपके इलाके का दर्द समझता हो और उसे भी कुछ समझता हो तो उसे चुने। भिवंडी शहर में राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो समझते ही नहीं कि काम कैसे करना है, मगर वो तैयारी में रहते हैं। मी भावी आमदार, मी भावी खासदार, मी भावी नगर सेवक, सब भावी भावी रहते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। नमस्कार, आदाब। एक कहावत सुनाता हूँ जो भिवंडी शहर की राजनीति पर एकदम फिट बैठती है और मेरे दर्शकों को भी पसंद आएगी, या ये वीडियो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ये पसंद की जाएगी और उसके बाद बात करेंगे राजनीति की। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ खान फ़ख्र आलम। एक कहावत है, एक जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। तो जब शेर कभी शिकार पर जाता था तो अपनी शेरनी से कहता था, देख मेरी आंख लाल लाल हुई, तो शेरनी हाँ कहती थी। फिर कहता था कि देख मेरी दुम खड़ी हुई, तो शेरनी हाँ कहती थी। और फिर तीसरा उसका सवाल होता था कि देख मैं शिकार करने के लायक हो गया, तो शेरनी हाँ कहती थी। बहरहाल वो तो शेर था, जाता था शिकार करता था तो गया और हिरन के एक बच्चे का शिकार करके लेकर आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये देख दिखाओ की जो कहावत है, एक सियार भी देख रहा था। सियार आमतौर से देखे होंगे, लोमड़ी से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो ये हरकत है, सियार भी देख रहा था। अब उसने भी अब जाकर अपने सियरनी के पास कहा कि देख मेरी आंख लाल लाल हुई, तो सियरनी थोड़ा सा अचंभे में पड़ी, फिर भी उसने हाँ कह दिया कि हाँ। उसके बाद देख मेरी दुम खड़ी हुई, तो फिर सियरनी ने वही कहा, हाँ देख मैं शिकार करने के लायक हो गया, तो सियरनी ने कहा हाँ। अब इसके बाद ये सियार शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और एक गधा वहाँ चर रहा होता है, तो गधे की दुम अपने मुंह में दबाकर खींचने की कोशिश करता है, तो गधा दो तीन लात मारता है, ऐन बैन हो जाता है सियार और वापस मुंह लटकाए अपने घर चला आता है। भिवंडी शहर की जो राजनीति है, ठीक इसी कहावत पर एकदम फिट बैठती है। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भिवंडी लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो चुका है, जिसके नसीब में हार थी वो हार चुके, जिनके नसीब में जीत थी वो भी जीत चुके, और जिनकी ज़मानतें जब्त होनी थी वो भी जब्त हो गई और वो फ़िलहाल राजनीति से संन्यास लेकर आराम कर रहे हैं। अब उसके बाद की राजनीति बताता हूँ। केंद्र में सरकार भी बन गई, उठा पटक वाली सरकार है। जैसे आपने देखा होगा, दो बिल्ली के बच्चे खेलते रहते, कभी ये बच्चा नीचे कभी ये बच्चा ऊपर, इस तरह के खेल पटक की जो सरकार है वो भी चलने वाली नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बड़ी तकलीफ़ वाला, बहरहाल नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मेहनत वाला ये तीसरा राउंड होगा राजनीति में। और आइए अब बात कर लेते हैं भिवंडी शहर की राजनीति की। लोकसभा का चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, हालांकि कुछ लोग उससे पहले ही मैदान में धीरे धीरे आ रहे थे और उनके जो चाहने वाले हैं वो नारा लगा रहे थे, आमचे साहेब भावी आमदार। भावी आमदार मतलब आने वाले दिनों के विधायक यानी आमदार। भिवंडी शहर में, भिवंडी पूर्व पश्चिम, ग्रामीण से तो अभी आवाज़ें नहीं आ रही हैं मगर आएंगी, तो भिवंडी पूर्व और पश्चिम से जो हालात भिवंडी शहर की राजनीति के पत्ते फैल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर के हर वार्ड से एक आदमी मैदान में आएगा और वो अपने आप को भावी आमदार कहेगा। उसकी ज़मानत कितने नीचे जाकर जब्त होगी वो तो उसे भी पता नहीं। बहरहाल भिवंडी शहर से पश्चिम पूर्व दोनों तरफ से कई आमदार यानी भावी आमदार, उनकी आवाज़ें आ रही, उनके चाहने वाले जो चिल्लर पिल्लर हैं चमचे हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही कि अभी हमारे साहब भावी आमदार हैं। क्योंकि बालिया मामा के जीत जाने के बाद बालिया मामा के भांजों में ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरा खेमा यानी दूसरा ग्रुप जो हार गया है उसमें अभी उतनी आवाज़ नहीं उठ रही है, मगर बालिया मामा के भांजों में ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। अतमी भावी आमदार, मैं MLA रहूँगा, तो इस तरह की कहानी चल रही है। भिवंडी शहर के मतदाता जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने एक उम्मीदवार को जिताकर भिवंडी लोकसभा से भेज दिया,
केंद्र में, इसी तरह से आने वाले दिनों में ईमानदारी से जो सक्षम हैं, जो काम करने की ताकत रखते हैं, वो नहीं आज जिनके घरों के नीचे गटर बह रही है, जाने को सीधे से रास्ता नहीं है, वो भी भावी आमदार की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ना चुने, और चुने उन्हीं को, भले वो किसी भी पार्टी का हो मगर आपके इलाके का दर्द समझता हो और उसे भी कुछ समझता हो तो उसे चुने। भिवंडी शहर में राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो समझते ही नहीं कि काम कैसे करना है, मगर वो तैयारी में रहते हैं। मी भावी आमदार, मी भावी खासदार, मी भावी नगर सेवक, सब भावी भावी रहते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो बहरहाल भिवंडी शहर के जो मतदाता हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मौका ना दें जो किसी लायक नहीं है, जो अपने घर के नीचे गटर नहीं साफ करवा सकता, जो अपने घर के बाहर की सड़क सही नहीं करवा सकता, उसे ना चुने। ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार। मैं खान फखरे आलम। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।